मेरा नाम माया ग्रे है। मेरी जिंदगी में सब ठीक चलने लगा था जब स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के जैक स्टोन्स को मैं डेट करने लगी। मैं उसके साथ बहुत अच्छा महसूस करती थी और फिर हम दोनों एक हो गए। जैक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी, बस उसकी आंखों का और बाल का रंग मुझसे अलग था। और वह लड़की मोहित की बहन थी। एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी और मोहित मुझसे नाराज था क्योंकि मोहित उसकी मौत का जिम्मेदार जैक को मानता था। जब मैं उसे समझाने गई कि यह बस एक हादसा था, वह मुझसे नाराज हो गया। कहा कि मैं जैक की साइड ले रही हूँ, पर मैं तो बस गलतफहमी दूर करना चाहती थी। वह हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता था और मुझे उसके लिए बुरा लगता है। उसने अपनी बहन को खो दिया है। अब समझ में आ रहा है, जब पहली बार उसने मुझे इंग्लिश क्लास में देखा था तो मुझे हक क्यों कर लिया था और उसकी आंखों में इतना दर्द और अफसोस क्यों था। काश उसे समझ में आए कि यह हादसा था और उसमें जैक की कोई गलती नहीं थी और जैक सबसे अच्छी चीज़ था जो मुझे हुआ था। उसने मुझे बदल दिया था। मैं इससे पहले इतनी कॉन्फिडेंट लड़की कभी नहीं थी। मैं लोगों पर विश्वास नहीं करती थी। बहुत इंट्रोवर्ट और शर्मीली लड़की थी। मैं हमेशा बहुत बुरी थी दोस्त बनाने में। जब मैं पहले न्यूयॉर्क में पढ़ा करती थी, लोग मेरे साथ बुली करते थे क्योंकि मैं पढ़ाकू थी। एक बार एक लड़के ने न्यूयॉर्क में मुझसे कहा था कि मुझे पसंद करता है, पर बाद में पता चला कि उसने किसी के साथ शर्त लगाई थी। फिर मैं नीको से मिली जो मेरा इकलौता दोस्त हुआ करता था, लेकिन फिर मुझे उस पर क्रश हो गया था और फिर मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ गई। खैर, अब मेरे साथ जैक है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे कभी नहीं कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है। क्या वह सच में मुझसे प्यार करता है? मैं यही सोचती रहती हूँ। मेरा मतलब, क्या मैं उसके लिए कोई मायने रखती हूँ? मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे जैक से दूर न करे। वह इकलौता शख्स है जिसे मैं खोना नहीं चाहती। मेरे डैडी न्यूयॉर्क में रहते हैं और कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में आए हुए थे जहाँ मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। मेरे डैड को जब पता चला कि मैं जैक के साथ रह रही हूँ, पहले वो जैक को निकाल देना चाहते थे। मैं बेहद घबरा गई, लेकिन फिर डैड ने उसे मेरे साथ रहने की इजाज़त दे दी। जैक ने कहा, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा, हाँ वो है। जैक लड़कों से मिलने घर से बाहर गया हुआ था। मैं किचन में गाना गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। वाह, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, किसी की आवाज़ से मैं बिदक उठी। हे भगवान, तुमने मुझे डरा दिया, मैंने जैक से कहा। तुम कब वापस आए? मुझे लगता है मैं आधे घंटे पहले आया हूँ, जैक ने कहा। सच में तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम मेरे साथ अगले हफ्ते शो में गा सकती हो, उसने कहा। क्या? कहते हुए मैं खांसने लगी। एक बार मैंने तुम्हें बताया था, उसने कहा, मेरा एक बैंड है, तो क्या तुम गाओगी? उसने पूछा। मैंने मना कर दिया, नहीं, मुझे लोगों के बीच में गाने में डर लगता है। मैं अपने क्रेडिट कार्ड ढूंढ रही थी, मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा था। कहाँ रख दिया मैंने? लगभग एक महीना हो गया था, मुझे मेरा कार्ड नहीं मिल रहा था। हर चीज़ के अंदर ढूंढने लगी, पैनिक करने लगी। मुझे शॉपिंग करनी थी और मुझे नहीं मिलेगा तो मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तुम क्या ढूंढ रही हो? जैक ने गहरी आवाज में पूछा, जिससे मैं बिदक उठी। मैं अपना क्रेडिट कार्ड ढूंढ रही हूँ, मैंने कहा। अचानक से उसका जबड़ा टाइट हो गया। इसके साथ क्या गलत है? तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे जाना होगा, उसने कहा। जब वह जाने ही वाला था, मैं उसे अपने करीब खींचकर उसके बाहों से लिपट गई। ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैंने कहा। और वह अजीब तरीके से मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। थैंक्स कहते हुए वह निकल गया। डैड, मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा, मैं अपने डैड से कहा जब मैं उन्हें फ़ोन किया। तो क्या तुमने सब जगह ढूंढा? उन्होंने पूछा। और मैंने हाँ में जवाब दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कार्ड ब्लॉक कर दूंगा और दूसरा कार्ड तुम्हें दिलवा दूंगा, डैड ने कहा। मेरे डैड और मार्गरेटा अभी ऑस्ट्रेलिया में ही थे और आज शॉपिंग करने जाने वाली थी। मैं जैक को बताना भूल गई, उसे टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। उससे मिलकर मेरा दिल गदगद हो उठा। वह मेरे से कई सवाल पूछा करती थी, मेरा स्कूल कैसा चल रहा है, तबीयत कैसी है, मैं कैसी हूँ। जब से मैं न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, वह हमेशा बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ध्यान रखती है। मेरी असली माँ भी कभी मेरे बारे में नहीं पूछती थी, इतना भी नहीं पूछती थी कि मैं खाना खाई या नहीं। बहुत छोटे से मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी, अपना खाना खुद ही बनाती हूँ। वही मार्गरेटा मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। उसके साथ शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आया और फिलहाल मैं घर पर हूँ। अगले दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। जैक ने पूछा, क्या तुम श्योर हो तुम स्कूल जाना चाहती हो? हाँ, मेरा सर दर्द ठीक हो गया है और मुझे अपने डिटेंशन क्लास भी अटेंड करना है, मैंने कहा।
और तब तो मैं तुम्हारे बिना अकेला हो जाऊंगा, उसने कहा। जल्दी ही हम स्कूल पहुंच गए और अपने अपने रास्ते निकल गए। मैं क्लास के अंदर आई और देखा मोहित एकदम पीछे बैठा हुआ था। मैं घबराहट के साथ उसकी ओर गई और उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। हे मोहित, कैसे हो? मैं काफ़ी उदासी भरी निगाहों से उसे देखने लगी और वह अपनी त्योरी चढ़ाई। मैं ठीक नहीं हूँ, आखिरकार उसने कहा। प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में खोना नहीं चाहती, मैं ईमानदारी से कहा और उसने एक सांस छोड़ी। मुझे माफ़ करना, उसने कहा। इससे पहले मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसी वजह से मैं अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाला था। मैं देख सकती थी वह अफसोस कर रहा था। हे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, क्या अब हम ठीक हैं? मैंने पूछा और उसने अपना सर हिलाया। माफ़ करना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था, इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर अपनी बहन को देखता हूँ और वह भी ठीक तुम्हारी तरह ही जिद्दी थी। वह हमेशा जैक की साइड लिया करती थी, जैसे कि तुमने आखिरी बार किया था, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बरस पड़ा था, उसने कहा। और मैं उसे दिलासा देने के लिए उसके पीठ रगड़ने लगी। कोई बात नहीं, और मैं टीना के बारे में सोचने लगी। क्या वह सच में जैक से प्यार करती थी? तो उनका रिश्ता कैसा था? मैं बिना सोचे ही कह डाली और मोहित मुझे कंफ्यूज्ड होकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपना मुंह खोला। टीना सच में उससे बहुत प्यार करती थी, वह हमेशा बार बार कहा करती थी वह उसे पसंद करती है और उसे पाकर वह कितनी लकी है, मोहित ने कहा और मैं फुसफुसाई। फिर उसने जैक के साथ चीटिंग क्यों की थी? क्या तुमने कुछ कहा? मोहित ने कहा। नहीं, कुछ नहीं, कहकर मैं अपने हाथ ऊपर खड़े कर दी। ओके, अच्छा, उनका रिश्ता सच में बहुत अच्छा था, वह दोनों साथ में खुश थे, पर पता नहीं क्यों उस दिन वह दोनों आपस में लड़ रहे थे, मोहित ने कहा। वह दिन जब उसकी मौत हुई थी, तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना? मैं मोहित से पूछी। नहीं, मैच के कुछ दिन पहले टीना फोन पर जैक से बात कर रही थी और उस पर इल्जाम लगा रही थी कि जैक ने उसके साथ चीटिंग की, मोहित ने कहा और मैं घबराहट से उसे देखने लगी। यह सब क्या है? जैक ने कहा था कि टीना ने उसके साथ चीटिंग की थी, फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं खो गई हूँ। मुझे लगता है उसके बाद भी वह लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वह मैच देखने गई थी और मैं सच में उम्मीद कर रहा था कि वह नहीं गई होती। वह दांत दबाकर अपने जबड़े को टाइट करके कहा, हे, सब ठीक हो जाएगा मोहित, सब ठीक है, कहकर मैं उसे हग करने लगी। क्या जैक ने मुझे फिर झूठ कहा? क्या मोहित ने सही समझा या फिर उसे गलतफहमी हुई? मुझे इस बारे में जैक से बात करनी होगी, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, मोहित ने कहा। अगर मैं उसके जगह पर होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती, मैंने कहा। तुम मुझे भी अपनी बहन मान सकते हो, मोहित, और उसे देखकर मुस्कुराई। यही वजह थी कि मैं तुम्हें उसके साथ नहीं चाहता था, उसने कहा और मैं बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी। माया, मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल बेकार बर्ताव कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ अपने अंदर दर्द महसूस करता हूँ, अपनी बहन को याद करके और यह सोच कर कि मेरी बहन भी उसी के साथ डेट कर रही थी जिसके साथ तुम डेट कर रही हो, और वह मुझे अंदर से जलाता है। समझने की कोशिश करो, मोहित ने अपनी बात पूरी की। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, पर मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि मैं उसके साथ ठीक हूँ, वह मेरी केयर करता है, मैंने कहा। और मोहित ने त्योरी चढ़ाकर मुझे देखने लगा। सारा दिन मैं क्लास में बिजी रही और जैक से मिलने का मौका नहीं मिला। घर आई तो घर में शांति थी, अब तक जैक नहीं आया था। क्या वह मेरे साथ भी धोखा कर रहा है? आखिर टीना की मौत कैसे हुई थी? अब मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल थे, मुझे नहीं पता कैसे रिएक्ट करना चाहिए। फिर से जैक की डेस्क में उसका जर्नल मुझे नजर आया। मन किया कि मैं इसे खोलूं और सब कुछ पढ़ूं जो वह उसमें लिखा है। उसके लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई, मैं डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। क्या होगा अगर वह झूठ कह रहा हो तो? नहीं, वह दोबारा ऐसा नहीं कर सकता, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। मैं खुद को उसके डेस्क के सामने जाता पाया और मेरे हाथ अब उसके जर्नल में था जिसे मैं खोली। उत्सुकता से मेरा दिल बेहद तेजी से दौड़ रहा था। जानी पहचानी तस्वीर मेरे सामने आई। एक तस्वीर थी जिसमें जैक था और एक लड़की थी जो मेरी तरह दिखती थी। मेरे दिमाग में इसका जवाब दिया, यह टीना है। मैं उस तस्वीर को अच्छे से जांचने लगी। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, यह तस्वीर अभी उसके पास क्या कर रही है? अभी इस तस्वीर को देखता है? यह जानकर मेरा दिल जलन से भर उठा। इस तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रहे थे। जैक सच में बहुत खुश नजर आ रहा था, पर हम दोनों एक जैसे कैसे दिखते हैं? क्या हमारे बीच में कोई कनेक्शन है? मैं उस मरी हुई लड़की का चेहरा देख रही थी। उसके चेहरे पर मेरे जैसे डिंपल नहीं थे, पर मैं उसके साथ खुद की तुलना क्यों कर रही हूँ? जैक ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कि उससे प्यार करता हो। फिर मैं सोचने लगी, क्या वो मेरे साथ कभी ऐसे मुस्कुराया है? और इसका जवाब ना में आया।
क्या वह अभी उससे प्यार करता है? मुझे एहसास हुआ कि मैं टूट रही हूँ। अगर वह अभी मूव ऑन नहीं कर पाया फिर मेरे साथ क्यों रिश्ता बना रहा है? मैं उम्मीद करने लगी कि वह मुझे सचमुच प्यार करता हो। जैक मेरी एक आखिरी उम्मीद है। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बदसलूकी किया करते थे। जल्दी से जैक के साथ एक गाला अटेंड करने वाली हूँ, पर जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। हे, क्या कर रही हो? एक आवाज से मैं अपनी चिंताओं से बाहर आई। जैक, तुम कब आए? मैं उससे उत्सुकता को ढकने की कोशिश की। हाँ, उसका मुझ पर यूं ही असर होता है। अभी आया और मैं नहाना चाहता हूँ। मुझे लगता है हम साथ में नहाएं तो अच्छा रहेगा। बाथरूम के अंदर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और मैं गटकने लगी। मेरे दिमाग में जंगली ख्याल आने लगे थे। मेरे साथ क्या गलत है? मैं उन ख्यालों को जल्दी से दूर हटाने की कोशिश की। अभी जो बुरे बुरे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे सब कहीं गायब हो गए थे। उसे देख रही थी जो अपने कपड़े उतार रहा था। वह कितना हॉट लगता है और मैं खुद को एक्साइटेड महसूस करने लगी। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम अभी पूरी तरीके से मुझे चाहती हो? उसने नखरे की मुस्कान दी। हाँ, चाहती हूँ, मैंने कहा। यहाँ आ जाओ। और मैं तुम्हें बहुत मिस किया, उसने कहा जब वह मेरी ओर झुका और हम आखिरकार किस करने लगे। उसने अपने हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ लिया था। पहले वह मुझे धीरे धीरे चूम रहा था लेकिन फिर धुआंधार हो गया। मेरा हाथ उसके गर्दन तक का रास्ता ढूंढ लिए थे और मैं उसे काफी जुनून के साथ चूमने लगी। उसका स्वाद कितना अच्छा है। मैं उसके नाम की सिसकी लेने लगी जब वह मेरे निचले होठों को चूस रहा था। उफ जैक, मैं बीच बीच में कह रही थी। अचानक से उसने मुझे ऊपर उठा लिया और शीशे की दीवार के साथ टिका दिया और मुझे काफी शिद्दत के साथ चूमने लगा। उसके बड़े सदस्य को मैं का अपने शरीर में चुभता हुआ पाया। मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा उत्साहित और कामुक महसूस कर रही थी। मैं अभी फिलहाल अपनी समस्याओं को भूल गई थी जब मैं अपने हाथ बहुत धीरे से उसके कालो बालों में चला रही थी और वह गरजने लगा। सब जल्दी जल्दी हो रहा था जब उसने अपने सदस्य को मेरे अंदर डाल दिया। हे भगवान, ऊपर से हमारे ऊपर पानी गिर रहा था। यह सब कितना अच्छा है। मेरे नाखून उसके पीठ के अंदर धंसने लगे। हे भगवान, तुम अभी भी टाइट हो, उसने बीच में कहा। वह अपने हाथ से मेरे गर्दन को दबाया और मेरा दम घुटने लगा। अब मेरी सिसकी जोर जोर से कमरे में गूंजने लगी। तुम मेरी हो, उसने कहा। हाँ, मैं बोली। वादा करो, उसने कहा जब उसने अपनी गति बढ़ा दी। हे भगवान, बिल्कुल हाँ। जैक, प्लीज, मेरे मुंह से यह सारी आवाज निकल रहे थे। आई लव यू जैक, मेरे मुंह से निकला जब वह निष्ठुर तरीके से मुझे महसूस कर रहा था। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ बेबी, उसने कहा। अचानक से एक आवाज आई, माया, और मैं तुरंत पहचान लिया वह मेरे डैड है। मैं जल्दी से उससे अलग हटी और पैनिक करने लगी। क्या यह यहाँ नहीं है? दूसरी आवाज आई, यह मार्गरेटा की आवाज थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जैक, मेरे पापा यहाँ आए हैं, मैं फुसफुसाई। तो क्या हुआ? उसने नखरे की मुस्कान दी। मुझे जाने दो, मैं कही, पर वह मुझे अभी शीशे के साथ दबाया हुआ था। उनसे कहो कि तुम नहा रही हो, जैक ने कहा और मैं काफी कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगी। फिर जवाब दिया, पापा, मैं नहा रही हूँ, अभी आती हूँ। मैं चिल्लाई, ठीक है, उन्होंने जोर से चिल्लाया। जैक, मुझे छोड़ो, मैं फुसफुसाई। बस अपने मुंह से आवाज मत निकालना, उसने कहा। मैं कंफ्यूज थी लेकिन फिर एक और जानी पहचानी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ने लगी। वह मेरे अंदर फिर से समा गया था। वह अपने हाथ से मेरे मुंह को दबा दिया था। हे भगवान, यह कितना हॉट है, उसने कहा और मैं अपने सिसकी को दबाने लगी। वह मेरे इतने करीब था जब मेरे पापा दीवार के दूसरे साइड में है। फिर दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था, सुख, घबराहट, खौफ, सब कुछ एक चक्र में चल रहा था। हे भगवान, ज्यादा जोर से सिसकी मत लो, उसने कहा और वह मेरे साथ खेलता रहा। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, मार्गरेटा मुझे हक करके कही। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं मुस्कुराई। तुम्हारा अपार्टमेंट जो बहुत खूबसूरत है, उसने कहा। डैड ने कहा कि मेरी पसंद है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बहुत हॉट है, मैं देख सकती हूँ, उसने कहा। जैक आराम से उनके साथ सोफे में बैठा हुआ था, ऐसे मुंह बनाकर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी उनसे आराम से बात कर रहा था और वह भी उसे गाला के बारे में पूछ रहे थे। डैड और मार्गरेटा ने बताया कि वह दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और उनके बाहों से लिपट गई थी। सच में यह मुझे बहुत चाहती है, मेरी माँ से बिल्कुल अलग है। जब वह चले गए मैं अपने बिस्तर में थी। मैं बहुत थक गई थी। जो कुछ भी मेरे और जैक के बीच में अभी हुआ उस वजह से घड़ी के 12 बज रहे थे। हैप्पी बर्थडे माई लव, मैं उसके गालों को हल्का सा चूमा।
थैंक यू बेबी, चलो अब सोते हैं, कहकर वह मेरी ओर मुड़ गया और अपना हाथ मेरे कमर पर रख दिया। और उसके इस प्यार करने के आचरण से मैं मुस्कुराने लगी। सोचा उसका गिफ्ट मैं सुबह दूंगी। सुबह उठकर मैं उसका गिफ्ट दी, जिसमें एक टोपी, उसके कपड़े और एक महंगी घड़ी थी। हे भगवान, यह तो बहुत ज्यादा है, वह देखकर कहा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मैंने कहा, यह मैंने पहले ही खरीद लिया है, प्लीज इसे स्वीकार करो, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। मैं कही, ओके थैंक यू। यह कहकर वह अपने जबड़े को टाइट कर लिया। आखिर इसके साथ क्या गलत है, आई लव यू जैक करके मैं उससे लिपट गई। आई लव यू टू माया, उसने कहा और मुझे कसकर पकड़ लिया। मुझे माफ करना, वह फुसफुसाया। क्या, मैं कही, आखिर यह किस बात की माफी मांग रहा है। कुछ नहीं, आई लव यू टू, उसने कहा और मैं मुस्कुराने लगी। खैर, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज हम एरिक की पार्टी में जा रहे हैं, उसने मेरे जन्मदिन के एक पार्टी रखी है, उसने कहा। ओह, मैंने कहा। उसने कहा, क्या हुआ बेबी, मैंने कहा। कोई बात नहीं, भूल जाओ, कितने बजे जाना है, उसने कहा। 6 बजे, पर क्या गलत है, मैंने कहा। मुझे लगा था हम लोग कहीं पर डिनर करेंगे, मैंने पहले ही बुकिंग करवा रखी थी। क्या सच में तुमने मेरे लिए इतना सारा इंतजाम करवाया था, उसने पूछा। और मैं अपना सिर हिलाई। माफ करना बेबी, हर साल मेरे जन्मदिन पर यह लोग पार्टी रखते हैं। ठीक है, भूल जाओ, कहकर मैं हल्का सा मुस्कुराई। पार्टी के बाद वहाँ जा सकते हैं, उसने कहा। क्या सच में, मेरा चेहरा खिल उठा, हाँ कहते हुए नीचे देखने लगा। जैक, क्या तुम ठीक हो, मैंने उससे पूछा। हाँ कहते हुए उसने एक नकली मुस्कान दी। क्या तुम श्योर हो, तुम अचानक से फीके दिख रहे हो, मैंने पूछा। हाँ हाँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, कहकर वह वहाँ से निकल गया। मैं अपने ब्लैक मिनी स्कर्ट और एक टाइट क्रॉप टॉप पहनी थी और अपना बूट पहन ली थी जिसमें हील काफ़ी ऊँची थी। लिपस्टिक, मस्करा और आईलाइनर लगा लिया था। मैं काफ़ी अच्छी दिख रही थी, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती। और उसने वह कपड़े पहने थे जो मैंने उसे तोहफे में दिए थे। वाह, तुम इसमें काफी हैंडसम लग रहे हो, मैं तारीफ करने लगी। जैसे मैंने सोचा था, वह काफी अच्छा दिख रहा था, वह जो भी पहनता है परफेक्ट लगता है। हाँ, यह मुझे बहुत पसंद आया, थैंक्स बेबी, उसने कहा। मुझे लगता है कि हम यह पार्टी कैंसिल करके अपने बेड में ही पार्टी करनी चाहिए, तुम बहुत हॉट लग रही हो, उसने कहा। और फिर एक छोटे से मेकआउट सेशन के बाद जब मैं शीशे में खुद को देखी तो मेरी लिपस्टिक पूरी गायब हो चुकी थी। मैंने कहा, जैक तुमने मेरी लिपस्टिक खराब कर दी, उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता था, तुम्हारे होंठ इतने रसीले लग रहे थे। चलो अब चलते हैं, और मैंने अपना सर हिलाया। हे गाइस, जैक ने सबका स्वागत किया और सबकी आंखें उसकी ओर थी। उसके अंदर एक अदृश्य सेलिब्रिटी की तरह चमक थी जिससे वह हर जगह चमकने लगता था। हैप्पी बर्थडे, सब लोगों ने मिलकर उत्साहित होकर उससे कहा। सब काफी खुश थे, हमारे हाथ अपने आप ही एक दूसरे से अलग हो गए जब आसपास एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जैसे कि उन लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया। अचानक से मुझे दर्द पहुंचा, शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से थे। मैं एक डरपोक इंट्रोवर्ट हूँ जबकि वह हैंडसम एक्सट्रोवर्ट है। मेरी होंठ अपने आप सिकुड़ गए, फिर उससे थोड़ी अलग हट गई। मुझे पता है अभी वह प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है, सब आकर उसे विश कर रहे थे। और मैं इनकार नहीं कर सकती कि मुझे जलन हो रही थी जब भी कोई लड़की उसे हग कर रही थी। मैं उस ओर जाने लगी जहाँ पर ड्रिंक रखी हुई थी और मुझे एरिक मिला। हे, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, एरिक ने मुझसे कहा। थैंक यू, मैं नम्र तरीके से कही, मुझे उसका एटीट्यूड जरा भी पसंद नहीं। हेलो माया, मैक्स ने कहा। हाय मैक्स, मैंने उससे कहा। मैं मैक्स के सामने हमेशा आराम महसूस करती हूँ, एरिक ऐसे बात करता है जैसे कि मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा हो, और मैं मैक्स की अच्छी दोस्त बन गई हूँ। हमने कई बार बात किया है, जब भी हम आपस में मिलते हैं वह बड़ा ही कूल है, उसके साथ हैंग आउट करना अच्छा लगता है। मुझे अचानक याद आया, वह और जैक बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है, मुझे सच में उनका रिश्ता बहुत पसंद है। मैक्स उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता है, सब ठीक है, उसने पूछा। और मैंने अपना सर हिलाया। उन्होंने जैक को तुमसे चुरा लिया है, उसने कहा। और मैं खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने कहा, हाँ, और नकली पाउड बनाई, हा हा, ये हमेशा ऐसा ही होता है, फिक्र मत करो, मुझे भी वह इस तरीके से ही डिच करता है, वह कहा जब अपनी आंखें घुमा रहा था। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास यहाँ हूँ, एरिक ने कहा। और मैं अपनी आंखें घुमाने लगी। चुप हो जाओ एरिक, मैंने कहा, और वह हंसने लगा। मुझे सच में तुम्हारा एटीट्यूड बहुत पसंद है, यह मेरी है, इसके ऊपर लाड़ मत टपकाओ फिर, कहकर जैक सामने आ गया और मेरे कमर में हाथ रखकर मुझे अपने करीब खींच लिया। शैतान का नाम लिया और शैतान हार जीत,
मैक्स बरबराया। हे बेबी, जैक ने कहा। मैंने कहा, क्या एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? जैक ने पूछा। जाओ जाकर उन लड़कियों को हक क्यों नहीं करते जिसे अभी थोड़ी देर पहले हक कर रहे थे, अपना सोडा पीते हुए कही। ठीक है, मैं इसमें नहीं हूँ, एरिक ने कहा, और मैक्स भी उसका साथ दिया। फिर मैक्स मेरे कानों में फुसफुसाया, उसके ऊपर इतना निष्ठुर मत बनो, और मैं हंसने लगी। एक बार दोनों चले गए, यह क्या था? जैक अपनी भौं ऊंची करके पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने पूछा। मैक्स तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? उसने पूछा। जब वह काफी पजेसिव लग रहा था, वह कह रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर निष्ठुर न बनूं। मैंने कहा, तुम दोनों कब से दोस्त बन गए? उसने पूछा। हमारी कुछ क्लासेस एक साथ होते हैं, उसमें कभी कभी हम बातें करते हैं, मैंने कहा। जो भी हो, पर यह किसी दूसरे मर्द के साथ मत करना, उसने कहा। तुम क्यों इतना जलन महसूस कर रहे हो? वह तुम्हारा दोस्त है, बंद करो इसे, मैंने कहा। तो क्या, जो मेरा है वो मेरा है, उसने मेरे माथे को चूमते हुए कहा। मैं अभी वापस आता हूँ, लव यू स्वीटहार्ट। मुझे बाथरूम जाना था। तीन गलत कमरे में घूमने के बाद मैं आखिरकार बाथरूम पहुँची। वहाँ से निकलकर मैं जैक को ढूंढने लगी। अचानक एक कमरे से इतनी खूबसूरत आवाज मुझे सुनाई दी। मैं उसके अंदर जाने वाली थी कि तभी मैंने सुना वह किसी के साथ बहस कर रहा था। मैं अपनी जगह पर वहीं पर जमकर खड़ी हो गई और सुनने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है। नहीं, तुम उससे दूर रहो, जैक काफी गुस्से के साथ कहा। तुमने साफ साफ बताया था कि तुम उससे प्यार नहीं करते, कि वह बस तुम्हारा नया खिलौना है। एक जाना पहचाना आवाज जिसे मैं तुरंत पहचान लिया, वह एरिक की आवाज थी। क्या, आखिर चल क्या रहा है? अपनी बकवास बंद करो, वह सिर्फ मेरी है, जैक ने कहा। यह क्या कह रहे हो जैक? अभी तुम्हारा मुझ पर उधार बाकी है, एक लड़की की आवाज आई। देखो बेला, तुम्हारा जितना भी कर्ज बाकी था मैं उसके कार्ड यूज करके तुम्हें वह पैसे वापस कर चुका हूँ, जैक ने जवाब दिया। तो अब तुम्हारा और कोई कर्ज बाकी नहीं रहा, पर यह सच में तुम्हारी अच्छी किस्मत है कि तुम उसकी तस्वीर ढूंढ निकाले मिस्टर ग्रे के साथ उस दिन उस मैगजीन में। यह क्या कह रही है? नहीं तो किसे पता चलता कि माया इतनी अमीर है? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह क्या हो रहा है? और फिर भी तुमने कहा था कि तुम उसे छोड़ दोगे, नहीं कहा था क्या? नाटक की रानी बेला ने कहा। मैं सदमे में थी, क्या उसने सचमुच यह कहा? अपनी जुबान पर लगाम दो, जैक ने कहा। तुम उसे सब कुछ बता दो या उसके साथ ब्रेकअप कर लो, एक और लड़की की आवाज आई। क्या यह लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं? हाँ, नहीं तो मैं उसे बता दूंगा कि यह सब कुछ नाटक था, इस बार एरिक ने कहा। मुझे नहीं पता क्यों मैं कांपते हुए उस कमरे के अंदर दाखिल हुई और सब आंखें मुझे खौफ से देख रहे थे। मेरी आंखें जैक की आंखों के साथ मिली, जो कि बेड में बेला के बगल में बैठा हुआ था। जेसिका भी वहां पर थी, जो मुझे नखरे की मुस्कान देकर देख रही थी। वह लड़का जो एक बार मुझसे कहा था कि मैं जैक के लिए एक खिलौना हूँ, वह फुटबॉल की पार्टी में, उसका नाम मैट है, वह भी वहां बैठा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैक काफी पैनिक भरी आवाज में मुझसे पूछा। हम उस नाटक के बारे में बात कर रहे थे जो जैक हमेशा तुम्हारे साथ खेला करता था, बेला ने कहा। तुम लोगों के कहने का मतलब क्या है? मैं कहने लगी, जब मैं अपनी कांपती आवाज को संभालने की कोशिश कर रही थी। माया चलो चलते हैं कहकर जैक मुझे छूने की कोशिश की, तुरंत उसकी पकड़ मुझसे हटा दी। जब मैं दोबारा से उससे पूछा, बताओ मुझे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था किसी ने मेरे पेट में छुरा घोंपा हो। ओह हनी, पहले दिन से ही जैक तुम्हारे साथ झूठी एक्टिंग कर रहा था, ऐसा दिखाया कि तुमसे प्यार करता है। हम भी सदमे में थे जब हमने देखा कि किस तरीके से वह तुम्हारा पीछा कर रहा था, और फिर एक पार्टी में उसने स्वीकार किया कि वह तुम्हारे साथ खेल रहा था, कि वह तुमसे प्यार नहीं करता, वही कर रहा था जो हमेशा वह लड़कियों के साथ खेलता था। और क्योंकि तुम अमीर थी, उसके लिए फायदा हुआ, उसने मुझे सारे पैसे वापस कर दिए, उसके बाकी रह गए थे, बेला ने आगे जोड़ा। क्या, मैं अचानक से कही, ऐसा लगा कि फिर से मैं बुरा सपना देख रही हूँ। माया, जैक ने कहा, मेरी बात सुनो माया। जैक, क्या यह सच है? मैं खौफ से लगभग चिल्लाई। इसे बताओ जैक, एरिक ने कहा। मुझे माफ करना, जैक ने कहा, और मुझे सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। जो आखिरी चीज मुझे याद है, मैंने उसे एक जोर से थप्पड़ मारा। माया रुको, जैक ने कहा, जब मैं कमरे से बाहर निकल गई और वह मेरे पीछे पीछे आने लगा था, उसे अनदेखा करके बैल्कनी की ओर जाने लगी। सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी जो अभी हुआ था। मेरे दिल में असहनीय दर्द होने लगा था। भगवान, यह एक बुरा सपना हो। रुको माया, वो पीछे पीछे आया। तो तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? मैंने पूछा, मुस्कुराने की कोशिश की ताकि मेरी टूटी हुई आवाज छुप सके,
पर वह झूठी मुस्कान थी और वह दर्द के साथ मुझे देखने लगा। बेबी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा विश्वास करो, जैक ने कहा। उसके चेहरे के भाव में उदासी थी जिसे तुरंत मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया। अगर मैं गलत हुई तो क्या, उसके लिए दुखी कैसे हो सकती हूँ जब वह मेरे साथ खेल रहा था। नहीं, तुम नहीं करते, मैंने कहा। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ मेरा कुछ भविष्य है, और सबसे बड़ी बात मैं सोची थी तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने कहा। जबकि मैं जानती थी तुमने मुझसे कई बार झूठ कहा था, पर मैंने परवाह नहीं की थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मैं तुम्हारे लिए जान तक दे सकती थी, मैंने कहा। अब अपने आंसू को मैं रोक नहीं पाई, मैं टूट चुकी हूँ पूरी तरीके से। ऐसे मैंने कभी किसी के सामने नहीं रोई थी, हमेशा बाथरूम में या बंद दरवाजे के अंदर रोती थी। मुझे माफ़ कर दो माया, जैक ने कहा। बर्थडे पार्टी का मजा लो, गुड बाय, मैंने कहा और उसे वहीं पर छोड़ दिया बाहर उस ठंड में, जबकि वह मेरा नाम लेकर कई बार पुकार रहा था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। मैं जानती हूँ आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों की प्रेम कहानी का अंजाम क्या हुआ? क्या जैक सच में माया से प्यार करता था या बस उसके साथ खेल रहा था? इस घटना के बाद क्या वह दोनों टूट कर रह जाएंगे? जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।